वट सावित्री पूजन की खटीमा में दिखी दूं। उत्तराखंड में जीवन के हर पल में पूजा पाठ उपवास एवं अनुष्ठानों का विशेष महत्व है, इसलिए उत्तराखंड को देव भूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के जेठ माह की अमावस्या को वट सावित्री पूजन का सुहागन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व है। अपने पति के लंबी उम्र की कामना के लिए सुहागन स्त्रियाँ इस दिन उपवास रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वहीं खटीमा में भी बाबा भूमसेन महाराज मंदिर में सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ वट सावित्री की पूजा अर्चना कर अपने पति की दीर्घ आयु के लिए वट वृक्ष से वरदान मांगा और कोरोना जैसी महामारी से निजात देने की कामना की। गौरतलब है कि देश भर जहां करवा चौथ व्रत को सुहागिन महिलाएं हर्षोल्लास के साथ रखती हैं, वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय समाज में सुहागिन महिलाओं ने पौराणिक वट सावित्री व्रत की विशेष मान्यता है। एक पौराणिक कहावत के अनुसार सावित्री ने यमराज से अपने मृत पति के प्राण वापस मांग लिए थे, उसी से प्रेरित होकर सुहागिन स्त्रियाँ इस व्रत को करती हैं। वहीं महिलाओं ने कहा कि भले ही आज देश में करवा चौथ व्रत का चलन हो गया, मगर हमारी पौराणिक मान्यता के अनुसार वट सावित्री व्रत एवं विशेष महत्व है। सुहागिन स्त्रियां वट के पेड़ को रक्षा धागा अथवा कलावा बांधकर उनकी पूजा अर्चना करती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। ये वट सावित्री का व्रत काफ़ी वर्षों से रखा जाता है और इसमें अपने पति सती अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है। इस व्रत का काफ़ी महत्व है हिंदू धर्म में। कथा पढ़ते हैं, पूजा करते हैं और अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करते हैं, जिससे वट वृक्ष का इसमें काफ़ी महत्व होता है। वट वृक्ष जो है उसकी दीर्घ आयु मानी जाती है, इसलिए इसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है। सारी श्रृंगार की सामग्री इसमें सारी पूजन विधि ये की जाती है।